नमस्कार दोस्तों, आज है 6 दिसंबर और वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ मैं इस गुड़हल से। ये वाला मेरा येलो वाला है, ये देखिए वाइट है, और ये वाला है छोटी वाली वैरायटी है। तो आज आपको मैं थोड़ा सा कुछ टिप्स दूंगी विंटर के लिए। विंटर में हम केयर किस तरीके से करें अपने जो ये हमारे परमानेंट प्लांट्स हैं। ये सारे देखिए देसी वैरायटी के गुड़हल हैं, हिबिस्कस जितने भी हैं, और बहुत अच्छा रहता है। लेकिन अब इनकी धीरे धीरे से ग्रोथ इनकी कम होने वाली है। जो हाइब्रिड गुलाब, वो गुलाब बोल रही हूँ, हाइब्रिड वाले जो ये हिबिस्कस होते हैं, ये तो बहुत खिलते हैं विंटर में। सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा ही हाइब्रिड वाले खिलते हैं, पर ये देखिए देसी भी बहुत खिल रहे हैं, मतलब बहुत कलियाँ हैं। और थोड़ा सा आपको अपने यहाँ पर कुछ अपडेट भी दे दूँ, तो ये वो वाला है गुलाब जिसको मैंने प्रून किया था, और इसकी प्रूनिंग का वीडियो भी मैंने शेयर किया था, इसमें खाद जो दिया था वो भी। तो ये देखिए इसमें, यहाँ पे देखिए हर जगह पे, हर उसमें कलियाँ आ गई हैं। अब इसका साइज़ भी थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ये देखिए खिलता है बराबर फूल। मैं वीडियो नहीं बना के, मतलब आपको नहीं दिखा पाई थी। आज पता है क्या है, इस समय 12:30 का टाइम हो रहा है और धूप बिल्कुल नहीं है, बहुत तेज़, मतलब वो बादल खूब हो रहे हैं। परसों तो खूब बारिश ही हुई। ये देखिए टमाटर लाल होना शुरू हो गया है मेरे इसमें, ये जो मैंने बीजों से लगाया था, काफ़ी सारा टमाटर निकल रहा है। तो सबसे पहले तो मेरे पास जो एक वो आया था, कमेंट आया था, मैं उस पर ही बता दूं कि कोई भी प्लांट को, अब जो भी हम हमारे ये परमानेंट प्लांट हैं जो हमारे पास सालों से हैं, सीजनल नहीं है, ये सब जो चमेली हैं ये सब बहुत बहुत साल के हैं, काफ़ी, तो किसी को भी अब इस टाइम पे रिपोर्ट नहीं करना है इनकी कोई। अब आप इस टाइम पे ना, सर्दियाँ देखिए अच्छे से शुरू हो गई हैं, इनको अब रिपोर्ट भी नहीं करना है, इनका कोई प्रूनिंग वूनिंग कुछ मत करिए, अभी कुछ मत करिए, ठीक है। इनका जब भी मतलब प्रूनिंग की जो होगा वो हम करेंगे जाके स्प्रिंग सीजन में, मतलब फरवरी में जब टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा होने लगेगा उस टाइम पे हम इनकी प्रूनिंग करेंगे। तो अभी कुछ नहीं करना है, ना रिपोर्टिंग ना प्रूनिंग। रही बात पानी की, तो इन सभी प्लांट्स को अभी हम मतलब तभी पानी देंगे जब हमको लगेगा कि इनकी मिट्टी ड्राई हो रही है। अगर ज़रूरी नहीं है कि हमें इसमें डेली ही पानी देना है, ऐसा नहीं है, या एक दिन छोड़ के देना है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है कि हम एक दिन छोड़ के दें, ऐसा कुछ सीधी सी बात इतनी है कि इनमें जब आपको लगे ऊपर से मिट्टी हार्ड सी हो रही है, तब हम मतलब सूखी सी लग रही है। अब आपको दिखाऊँ मैं, ये देखिए ये इसमें मिट्टी जो है कितनी सूखी है, ठीक है ना, ये देखिए इस तरह से भुरभुरी सी ऐसे हो रही है। तो नहीं भी देंगे आज, मैं जैसे नहीं भी दूंगी इसमें पानी तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सब जो होते हैं ना प्लांट, इनके स्टेप में थोड़ा थोड़ा मॉइस्चर थोड़ा सा रहता ही है। तो जैसे आज नहीं देंगे तो कल दे देंगे। इसमें मैंने मुझे लगता है कि मैंने 3-4 दिन से मैंने इसमें पानी नहीं दिया है, क्योंकि बताया ना आपको मैंने, बारिश हुई थी, तो जैसे ये वाला उधर कोने में उस साइड में तो बारिश का पानी नहीं गया था, यहाँ पे तो बारिश का पानी आया था। तो ये देखो थोड़ी सी मिट्टी इसकी गीली है, ठीक है ना। तो इनमें बस पानी का आप ध्यान रखिए, आप इनमें कोई खाद मत दीजिए, ना कोई फर्टिलाइज़र दीजिए, ना कुछ दीजिए। और रखने की कहाँ रखती हूँ मैं, एक साइड में, मैंने कई वीडियो में बताया कि मैंने कई उसमें एक साइड में रख दिया है, क्योंकि अभी धीरे धीरे इनके सबके पत्ते गिरने वाले हैं, जहाँ ठंड ज़्यादा हो जाएगी वैसे इनके पत्ते गिर जाएंगे। ये तो देखिए ये वाला अलमंडा मैंने रिपोर्ट किया था, इसको साइड में रख दिया है, और अब इसमें मैं खाद नहीं दूंगी। ये जो रिपोर्टिंग के बाद ये जो जितनी नई नई पत्तियाँ दिख रही हैं, ये सब नई पत्तियाँ हैं, तो अब कुछ नहीं करना है फिलहाल। और इसके अलावा इसमें क्या करा जा सकता है, देखिए मैं खुद कुछ नहीं ऐसा खास करती हूँ कि कोई नीम ऑयल का स्प्रे कर रही हूँ या कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं करती हूँ। एक टिप आपको मैं देना चाहूँगी, वो आपके बहुत काम आने वाली है। देखिए ये रजनीगंधा है, अब जैसे ये सब साइड में रख दिया है, इसमें कुछ फूल नहीं आएगा, रजनीगंधा में नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन जैसे अभी तो धूप नहीं निकली है, इनके नीचे क्या होगा,
जब हम इनको ज़रा सा भी इनकी जगह नहीं बदलेंगे, यहीं पे छोड़ देंगे, कभी कभार पानी देंगे बहुत सर्दियों में, तो इनके नीचे थोड़ा सा जहाँ गर्मी हल्की सी इनको मिलेगी, बहुत सारे यहाँ पे चींटियों के वो हो जाएंगे। अभी तो नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा ठंड में तो नहीं होते हैं, लेकिन थोड़ा सा जैसे इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। आप क्या करिएगा ना, एक ही जगह छोड़ मत दीजिए, थोड़ा सा ध्यान देते रहिए कि कहीं, क्योंकि जब हम कोई चीज़ को एकदम छोड़ देते हैं ना, निगलेक्ट कर देते हैं, वहीं पर कोई भी ना कोई जानवर या कोई इंसेक्ट, कोई ना कोई कीड़ा जो है वो ज़रूर आ जाता है, वो अपना घर बना लेता है। तो इसलिए आप ध्यान दीजिएगा कि एकदम से गमला एक ही जगह बहुत टाइम तक रखा रहता है ना, तो वहाँ पे चींटियाँ आ जाती हैं। तो ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा। और दूसरा, रजनीगंधा की जैसे मैं बात कर रही थी, ये बिल्कुल अब सूख गया है, और इनके बल्ब को, हालांकि वो एक अलग वीडियो मेरा बनाया हुआ है, काफ़ी पिछले साल शायद मैंने बनाया था। तो इसका क्या करती हूँ ना, अगर मुझे गमला चाहिए तो मैं इस, अभी ये सूखा हल्का सा, देखिए बारिश, बताया मैंने बारिश हुई थी तो इस वजह से मिट्टी गीली हो गई है। अगर ये सूखा होता ना, तो यूँ पूरा उठाती मैं और पूरा का पूरा सारा ये गमला खाली हो जाता। तो उठा करके मैं क्या करती हूँ, कई बार रख देती हूँ अलग गमला, अगर मुझे चाहिए होता है विंटर का कुछ लगाने के लिए, और नहीं तो उसी में ना छोड़ देती हूँ। तो बस यही करती हूँ रजनीगंधा के साथ, तो मैं यही करती हूँ। बहुत साल पहले, मतलब बहुत साल क्या, 3-4 साल पहले मैंने वो एक छोटा सा प्लांट खरीद के रजनीगंधा का लगाया था, तो उसके बाद से सैकड़ों बल्ब उसके बन गए, और यही रहता है। मैं उठा कर उसको क्या करती हूँ ना, किसी पॉली बैग में या किसी कार्डबोर्ड बॉक्स में रख देती हूँ। तो अब जैसे मुझे गमला नहीं चाहिए तो उसी में छोड़ दूँगी, और पानी बहुत ही नहीं के बराबर दूँगी। खैर वो एक अलग वीडियो है, अलग टॉपिक है कि हम इस तरीके के बल्ब वाले उनका कैसे ध्यान रखें। ये देखिए डेड हेडिंग करते रहा करिए, ये जितने भी फूल फेड हो जाते हैं ना, इनको हटाते रहेंगे तो आपके मैरीगोल्ड के प्लांट की लाइफ जो है ना, वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगी। और ये रही अडेनियम और इन सब की बात, तो मैं तो देखिए कहीं नहीं, मैं सीधे यही रखती हूँ, मिट्टी ऐसी बनाती हूँ कि ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ता नहीं है बारिश के पानी वानी का। ये देखिए कितनी अच्छी वो लग रही है, और पानी वैसे बहुत समझ के डालती हूँ, बहुत देख समझ के, बहुत ज़्यादा पूरी तरह मिट्टी सूख जाती है तो ही देती हूँ। यहीं पे रखा हुआ है और कहीं नहीं, बेकी कहिए विंटर में मैं हटाती हूँ, ऐसा नहीं है, कुछ नहीं है, यहीं पे रखा रहता है ये पूरे सीज़न। अभी भी जो है कुछ कुछ परमानेंट जो ये प्लांट है ना, ये सब इनमें फ्लावरिंग तो हो रही है। ये सब बड़े अच्छे प्लांट हैं, ये आप समझिए सिर्फ 2 महीना 1.5-2 महीना फूल नहीं देते हैं, ये कटिंग से ही लगाया था मैंने। और बाकी ये देखो इसमें भी वो है, फूल आ रहा है। ठीक है, बस यही थोड़े से टिप्स थे, छोटा सा वीडियो था। ठीक लगा हो तो लाइक कर दिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा। ये देखिए मैंने अभी 2 दिन पहले ही पालक अब इसमें फिर से बोई है, और ये देखो जन्म इसमें, इस बार तो मैंने सीड को सोक भी नहीं किया था, मतलब रात भर वैसे ही भिगा दिया था। ये वाला जब उगाया था ना, तब तो पानी में भिगा करके वो करा था, तो हो गई है, क्योंकि अब मॉइस्चर अब इतनी ज़्यादा वो नहीं है ना, धूप तेज नहीं हो ही नहीं रही है, देख रहे हैं इस टाइम पर भी, आज भी धूप एकदम बिल्कुल है ही नहीं। सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा दोस्तों, नहीं किया हो तो लाइक भी कर दीजिएगा, और मैं कभी बोलती ही नहीं हूँ, शेयर करना चाहें कुछ ठीक लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा। ये देखिए गार्डन के, ये कचरा मैं भरती हूँ ना, उसी में ये बैंगन लगाया है मैंने, ये सारा ये बैंगन सब उसी का ही है, मतलब इसमें मिट्टी बहुत थोड़ी सी है। और ना मुझे ये वाला मस्टर्ड केक का इसका खाद देना था, पर चूँकि मिट्टी गीली हो रही है ना, तो इसलिए मैं नहीं दे रही हूँ आज, क्योंकि अभी कोई फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान हो सकता है। और हो गया उसको 3-4 दिन हो भी गया भिगाए हुए। और ये जितने वो पौधे थे ना 10-10 रुपए वाले, ये तो सिर्फ 1 रुपए का एक पौधा पड़ा, ये सब लग गया है, मैं बाद में शेयर करूँगी ये सब भी प्लांट को। ये देखो क्रोसेंड्रा कितना बड़ा हो गया है, गर्मी बहुत तेज़ थी ना, तो मैं इसको यहाँ पर ला के मैंने रख दिया था बालकनी साइड में, अब इसको मैं ऊपर ले जा के रखूँगी, इसमें मैं खाद वाद देना है। चलिए दोस्तों ठीक है, क्योंकि मैं प्लांट आपको ना ऐसे यहाँ पे उतर रही थी नीचे, अभी ऊपर से तो मैं खुद भी देखने लगी, आपको दिखाने लगी। ये देखिए ये वाला पत्ता नया निकला है, ये मुझे अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है, ये गिफ्ट में ये वाला प्लांट मिला था, मैंने बताया भी था आपको, दिखाया था ये। ये देखिए ये वाला लीफ जो है नई है, मेरे घर में ही आके निकली है ये। और चलिए अच्छा ठीक है, मैं ना इस पर ओवरव्यू वीडियो बाद में शेयर करूँगी, काफ़ी
बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है अभी ये वाला, दिखाती हूँ ये देखो, ये वो है वेरीगेटेड है सिंगोनियम, इसको मैंने इधर बांध दिया है, पूरा यहाँ भर गया है एकदम, भूसे की तरह से भरा हुआ है सारा प्लांट। चलिए भाई, थैंक यू।